हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ मेघल आवा, आई एम योर ईवीएस टीचर। सो स्टूडेंट, टुडे हम सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इन योर ईवीएस सिलेबस चैप्टर 1 इज कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन, मींस स्वस्थ एंड स्वच्छ रखें। इन दिस चैप्टर हम रीड करने वाले हैं कि कौन से फूड होते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, हमें किस टाइप का फूड ईट करना चाहिए। ओके, कौन से जो सोर्सेस होते हैं वो फूड के, वो क्या है, एंड गुड हैबिट्स एंड कीपिंग क्लीन, मींस कौन कौन सी अच्छी आदतें होती है जो हमें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, एंड किस तरह से हमें साफ रहना चाहिए। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क एंड दाल आर हेल्दी फूड। दीज फूड आइटम्स गिव अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस ग्रो। फूड सच एज बर्गर्स, potato chips, pizzas and ice creams are junk food. They are unhealthy and can make us sick. We should not eat them too often. There are some healthy eating habits that we all must follow. We must always eat fresh and clean food. If we do not eat fresh food, we will fall sick. We must drink a lot of water. We must eat healthy food and avoid eating too much junk food. We must not talk when we have food in our mouth. We should never waste food. Yes, students, open your first chapter of EVS, Keeping Healthy and Clean, page number 127. Let's get started. Look at the pictures of the fruits and vegetables. Fill in the missing letters to form names of these. यहाँ आप देख रहे हैं, हमें कुछ fruits and vegetables की images दी गई है and numbering की हुई है 1, 2, 3, 4, 5. आपको उनके सामने फ्रूट्स नेम दिए गए हैं, यहाँ पे लेटर्स मिसिंग है, आपको कंप्लीट करना है। इन फ्रूट्स को आपको देखना है और इनके नेम्स जो है वो राइट डाउन करना है, कंप्लीट करना है। ओके, वी शुड ईट हेल्दी फूड एंड कीप अवर सेल्व्स क्लीन। हमें हेल्दी फूड मीन्स स्वस्थ भोजन खाना चाहिए और अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। Let us learn about healthy food and some good habits that we should follow. चले हम पढ़ते हैं कुछ हेल्दी फूड के बारे में एंड कुछ अच्छी आदतों के बारे में जो हमें फॉलो करना चाहिए। पेज नंबर 128। फूड, वी नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड वर्क। सबसे पहले कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है किड्स, हमें फूड की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए, एंड कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से। इट कीप्स अस हेल्दी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। हेल्दी फूड जो होता है वो हमें हेल्दी बनाता है एंड हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे आप देख रहे हैं इमेजेस दी हुई है, फर्स्ट आई नीड फूड टू डू माई वर्क, मुझे काम करने के लिए फूड की ज़रूरत है। आई नीड फूड टू ग्रो, बढ़ने के लिए। आई नीड फूड टू स्टे हेल्दी, मुझे हेल्दी रहने के लिए खाना चाहिए। सोर्सेस ऑफ फूड, वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस मीन्स हमें भोजन कहाँ से मिलता है। सो हमें
जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, मीन्स अनाज है, जो भी दालें है, ये हमें सब कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वी गेट एग्स, मिल्क, मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। सेकंड सोर्स क्या है हमारा? फर्स्ट सोर्स तो क्या हो गया? प्लांट हो गया, जिससे हमें फूड मिलता है। एंड सेकंड सोर्स जैसे मिल्क है, एग्स है, मीट, हनी, ये सारी चीज़ें हमें किन से मिलती है? एनिमल्स से। तो सेकंड सोर्स हमारा क्या है? एनिमल्स, जिनसे हमें फूड मिलता है। ओके, वी कैन मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम मिल्क सच एज कर्ड, बटर, घी, चीज़, पनीर एंड स्वीट्स। ऑल दिस फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपने देखा है मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कर्ड है, बटर है, घी, चीज़, पनीर, स्वीट्स, मिठाइयाँ, डिफरेंट जो स्वीट्स है वो मिल्क से बनाई जाती है। जितने भी ये फूड आइटम्स है जो मिल्क से प्रिपेयर किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, बटर, घी एंड चीज़ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम दूध से बना सकते हैं। सो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या कहेंगे? मिल्क प्रोडक्ट। ओके, पेज नंबर 129। ईटिंग हेल्दी फूड मीन्स स्वस्थ खाना खाना चाहिए हमें। ईटिंग टू मच ऑफ चिप्स, कैंडीज एंड फ्राइड फूड इज अनहेल्दी। बहुत ज़्यादा चिप्स खाना, कैंडीज खाना, चॉकलेट्स खाना या फ्राइड फूड, फ्राइड फूड मीन्स तला हुआ, ये किस टाइप का फूड होता है? अनहेल्दी, मीन्स हमारी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो इन्हें हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ईटिंग अनहेल्दी और डर्टी फूड मेक्स अस फॉल इन। अनहेल्दी फूड या फिर डर्टी फूड मीन्स जो खाना साफ नहीं होता है, अच्छा नहीं है, ख़राब है, ऐसे खाने से हम क्या बीमार हो जाते हैं। फूड डेट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स अस हेल्दी इज कॉल्ड हेल्दी फूड। जो खाना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी रखता है, ऐसे फूड को क्या कहते हैं? हेल्दी फूड। जॉन लव्स ईटिंग पोटैटो चिप्स एंड कैंडीज एवरी डे। जॉन है वो हर दिन चिप्स खाता है, पोटैटो चिप्स खाता है, कैंडीज खाता है। ही फॉल्स सिक वेरी ऑफन। वो चिप्स एंड कैंडीज इस टाइप का अनहेल्दी फूड खाता है, जिससे कि वो अक्सर क्या होता है? बीमार हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, मीन्स वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स, मिल्क, ऐसी चीज़ें हमें हमारे खाने में इंक्लूड करना चाहिए, जिनसे हमें एनर्जी मिले और जो हमें स्ट्रॉन्ग रखे। मिल्क, एग्स, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्दी फूड। ये सारे किस टाइप के फूड है? हेल्दी फूड। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स मीन्स दालें, जितने भी अनाज होते हैं, मिल्क, एग। सेकेंड, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। हमें फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, इन्हें खाने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए। थर्ड, वी शुड नेवर ओवर ईट। हमें जितनी भूख है हमें उतना ही खाना चाहिए, हमें ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। फोर्थ, वी शुड नॉट वेस्ट फूड। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, वी शुड ईट फूड एट फिक्स्ड टाइम। हमें खाना हमेशा फिक्स टाइम पर खाना चाहिए। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम जो मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं किड्स, उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। वी ईट लंच एट नून एंड जो दोपहर में हम खाना खाते हैं उसे लंच कहते हैं। वी ईट डिनर एट नाइट। रात को जो हम खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिनर। ओके, सो हम कितने मील्स लेते हैं इन अ डे? 3 मील्स इन अ डे। पेज नंबर 130। गुड हैबिट्स एंड कीपिंग क्लीन। टू स्टे हेल्दी वी नीड टू फॉलो सम गुड हैबिट्स। स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, गो टू बेड अर्ली एंड वेकअप अर्ली। हमें जल्दी सोना चाहिए एंड जल्दी उठना चाहिए। सेकेंड,
ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमें हमारे दांतों को मॉर्निंग में जब हम सोकर उठते हैं उन्हें ब्रश करना चाहिए एंड रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। थर्ड, वॉश योर हेयर टू कीप देम नीट, कॉम योर हेयर एवरी डे। अपने बालों को हमें साफ रखना एंड हर दिन उन्हें कॉम करें, मीन्स कंघा करें, सुलझाए उन्हें। फोर्थ, बाथ डेली एंड चेंज योर क्लोथ्स। डेली नहाएं एंड कपड़ों को डेली चेंज करें। फिफ्थ, ट्रिम योर नेल्स एवरी वीक। हर वीक अपने नेल्स ट्रिम करें, मीन्स उन्हें कट करें। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले एंड खाना खाने के बाद हाथों को धोए। सो स्टूडेंट्स, हमने हेल्दी फूड के बारे में रीड किया इस चैप्टर में, कि हमें किस टाइप का फूड खाना चाहिए और कौन सी गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।